अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यूएसए के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपना दूसरा मैच संडे 9 जून को इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 7:30 पर जबकि इंडियन टाइम के मुताबिक रात 8 न्यूयॉर्क के वेन्यू पर खेलेगा। दोस्तों, अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 2007 से लेकर 2022 तक इन दोनों के दरमियान टोटल 12 मैच खेले गए हैं, जिसमें इंडिया क्रिकेट टीम ने 12 में से 9 और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 12 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की प्लेइंग 11 की जानिब बढ़ने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की होने वाली है, जिसमें नंबर 1 पर है रोहित शर्मा, नंबर 2 पर है विराट कोहली, नंबर 3 पर है ऋषभ पंत, नंबर 4 पर है सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर है शिवम दुबे, नंबर 6 पर है हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर है रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर है एक्सल पटेल, नंबर 9 पर है जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर है अर्शदीप सिंह और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज को इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। और पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की होने वाली है, जिसमें नंबर 1 पर है बाबर आजम, नंबर 2 पर है मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पर है फखर जमान, नंबर 4 पर है उस्मान खान, नंबर 5 पर है आजम खान, नंबर 6 पर है इफ्तखार अहमद, नंबर 7 पर है इमाद वसीम, नंबर 8 पर है शदाब खान, नंबर 9 पर है शहीन शाह अफरीदी, नंबर 10 पर है हारिस रऊफ और नंबर 11 पर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। क्या दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब होगी या नहीं, आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और हमारे YouTube चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें ताकि क्रिकेट के लंबा अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।